गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजीज स्प्रेड बाय प्रोटोजोअन्स, जो एक डिजीज़ है मलेरिया, प्रोटोजोआ से फैलती है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मलेरिया कैसे फैलता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, और जो जिससे मलेरिया फैलता है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, किस किस तरीके से हमारी बॉडी को अटैक करता है, ये सारी हम चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मलेरिया। मलेरिया क्या करता है, प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजो है, इसके द्वारा फैलता है। ठीक है, अब इसका वेक्टर क्या होता है, इसका वेक्टर एक मच्छर होता है। मच्छर फीमेल एनोफ्लीज है, ठीक है, उस मच्छर का नाम क्या है, फीमेल एनोफ्लीज। अब जो इससे हमारे इफेक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, इससे जो हमारा ह्यूमन्स का लीवर है और हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, सिम्टम हैं इसके, इसके द्वारा 48 से 72 घंटे तक हम कप कपाते हैं, मतलब कांपते हैं, और हमें ठंड लगती है, बुखार हो जाता है, सर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगता है। इसका बचाव यानी इसकी प्रोटेक्शन क्या है कि हमें अपने घरों के आसपास बिल्कुल भी पानी इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। एक सिम्टम और होता है, एक बचाव और होता है इसका कि हमें नालियों में तथा इस्तेमाल ना होने वाली चीज़ें, जैसे बहुत सारी घरों में पड़ी रहती हैं तो उनमें क्या होता है, बिल्कुल भी पानी नहीं भरने देना चाहिए, और जगह जगह पर हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी का तेल का छिड़काव करना चाहिए। अब देखिए जो प्लाज्मोडियम है उसके हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब देखिए जो इसकी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये हम देख लेते हैं एक बार। जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये क्या होती है, टू पैरासाइट्स के बॉडी में कंप्लीट होती है। फर्स्ट पैरासाइट होती है जो हमारी प्लाज्मोडियम, या हम कह सकते हैं इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, और ये क्या है, हमारा नॉर्मल पर्सन की सेल्स हैं, यानी जैसे हम लोग हैं, हमारी स्किन है, स्किन की सेल्स हैं। ये क्या करती है, ये इन्फेक्टेड है, ये आकर किसी ह्यूमन को बाइट करती है या काटती है। जब ये किसी ह्यूमन को काटती है तब जो स्पोरोजोइड्स होते हैं उनकी फॉर्म में, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसकी बॉडी में जो हमारे लिए इन्फेक्टेड, मतलब डिजीज़ कॉज करेंगी मटेरियल, वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, और वो कहाँ पर अटैक करते हैं, सीधा हमारे लीवर पर अटैक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो होंगी लीवर में अपनी RBCs पर अटैक करके, पहले लीवर पर अटैक करेंगे, उसके बाद RBC में जाकर अपने नंबर बढ़ा लेती है। देखिए लीवर से सीधा ये कहाँ पर आती हैं, RBCs में आती है, यानी रेड ब्लड सेल्स में आती है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर आकर ये क्या करती हैं, मल्टीपल करती हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है कि इतनी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और RBC क्या होती है, फट जाती है। RBCs के फटने से एक नॉन पॉइजन जो है, हीमोजोइन कहते हैं हम उसे, हीमोजोइन स्रावित होता है, निकलता है, जो हमारी बॉडी को 3 से 4 दिन बाद हमें बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी लगने लगती है, और हमारी बॉडी को क्या कर देता है, फीवर कर देता है, बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर कर देता है। देखें यहाँ पर लिखा है RBC ने क्या हुआ, अपने नंबर बढ़ाए, और फिर इससे क्या हुआ, हमारा हेमोजोइन क्या हुआ, स्रावित हुआ, जिससे हमें क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होने लगता है। रिप्रोडक्टिव RBCs हैं। अब सिचुएशन जो होगी पलट जाएगी। अब जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, यानी कि किसी को पहले से ही क्या है, मलेरिया हो चुका है, अब उसको कोई नॉर्मल मॉस्किटो आकर काटती है, ठीक है, कोई नॉर्मल मॉस्किटो आकर काट रही है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारा हीमोजोइन होगा वो मॉस्किटो के बॉडी में एंटर कर चुका होगा। इसके बाद जो आगे का डेवलपमेंट है वो सारा किसके अंदर होगा, मॉस्किटो के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइड जितने भी होंगे ये सारे इस मॉस्किटो के अंदर बढ़ते जाएंगे, और इसके कहाँ पर पहुँच देते हैं, ये सलाइवा ग्लैंड्स में पहुँच जाते हैं। इसकी क्या है, सलाइवा ग्लैंड्स है, ठीक है, सलाइवा में पहुँच जाते हैं, क्योंकि इसने कहाँ से सक किया है ब्लड को, अपने माउथ से सक किया है। ठीक है, ये इसकी है ग्लैंड्स ऑफ स्लीवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, इसमें स्लीवरी ग्लैंड्स हैं, और इसमें स्पोरोजोइड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ने लग जाते हैं। फिर से वही स्टेज आती है कि ये जो मॉस्किटो होती है दोबारा से किसी नॉर्मल पर्सन को काटती है, और ये जो साइकिल होती है ये फिर से क्या होती है, चलने लगती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मा।